हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गरिमा। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। हमारे यहाँ बांके बिहारी जी को जो प्रसाद चढ़ाते हैं, आज मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आइए, किस तरह से बनाएंगे। मैंने ये पैन लिया है, इसमें मैं एक चम्मच घी ऐड करूंगी। मैं ऐड करूंगी इसमें नारियल का बुरादा, मैं ऐड करूंगी दो चम्मच सूजी, मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स चॉप करके रखे को इसमें ऐड कर देती हूँ। शुगर की जगह मैं इसमें ऐड करूंगी कंडेंस मिल्क। ये जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छे से तैयार हो गया है। मैं पैन में ऐड करूंगी तीन चम्मच देसी घी। मैंने 150 ग्राम बेसन लिया है और इसको अच्छे से छान लिया है। मैं बेसन को घी में शिफ्ट कर दूंगी और स्लो आंच पे इसे भूनूंगी। बेसन हो चुका है, मैंने यहाँ येलो कलर की चाशनी बनाई है और इसे मैं ऐड कर दूंगी। मैंने चाशनी अच्छे से मिक्स कर ली है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी मावा। मावा ऐड करने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं ऐड करूंगी इलायची पाउडर। मैं इसे ग्रीस लगी हुई टीन में शिफ्ट कर दूंगी। ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे गार्निश कर दूंगी और 15 मिनट के लिए सेट करने छोड़ दूंगी। ये मैंने पैन में एक चम्मच देसी घी लिया है, साथ ही इसमें ऐड करती हूँ एक बड़ी चम्मच चीनी। चीनी को मिक्स करते ही मैं इसमें ऐड करूंगी एक कटोरी चावल। क्योंकि मुझे केसरिया चावल बनाने हैं तो मैंने इसमें ऐड किया है कुछ केसर। ये कलर आने के बाद मैंने ऐड किया है काजू और थोड़ी सी इलायची। ये देखिए केसरिया चावल तैयार है। खीर बनाने के लिए मैंने चावल को दरदरा पीस लिया है। मैंने पैन में घी ऐड किया है, मैं इसमें ये दरदरे वाले चावल शिफ्ट कर दूंगी। घी में हल्का सा भूनने के बाद इसमें ऐड करूंगी दूध। आपको इसे चलाते रहना है ताकि इसमें लंप्स ना आए। मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ केसर की पत्तियां हैं, तो मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स ले रखे हैं और इसमें इलायची भी ऐड की है। मैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स ऐड होने के बाद थोड़ी देर इसे और हम कुक करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी शुगर। हमारी खीर तैयार है। मैंने आटा गूंथ के छोटी छोटी सी मठियाँ बना ली हैं। अब मैं इन मठियों को फ्राई कर लेती हूँ। मठियाँ तैयार हो चुकी हैं, अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। मेरा ये भोग भी तैयार है। अब मैं बनाने जा रही हूँ चने की सब्जी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने चने की सब्जी में यूज़ करने हैं। मैंने पैन में ऑयल लेके जीरा ऐड कर दिया है, साथ ही अदरक, हरी मिर्च और खड़े मसाले भी ऐड कर दिए हैं। मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर कुक होते ही मैं सारे ड्राई मसाले इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी उबले हुए चने। ये ऐड करके इसे कुक करेंगे, फिर हमारी चने की सब्जी तैयार है। अब मैं बनाने जा रही हूँ मखाने की सब्जी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं मखाने की सब्जी में यूज़ करूंगी। मैंने पैन लिया है और मुझे मखानों को रोस्ट करना है। अब मैंने पैन में ऑयल लिया है और अदरक, हरी मिर्ची, धनिया ये सब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। जैसे ही अदरक हरी मिर्ची पक जाएगी तो मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिया है। जैसे ही टमाटर कुक होगा हम इसमें ऐड करेंगे काजू और खसखस। खसखस को भी हमें अच्छे से कुक कर लेना है। कुक होने के बाद सारे ड्राई मसाले ऐड करके अच्छे से भून लेंगे। हम ऐड करेंगे मखाने। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी और इसे थोड़ी देर पकाएंगे। जैसे ही सब्जी कुक होगी हम इसे धनिया के साथ गार्निश कर देंगे। इसी तरह से मेथी आलू की सब्जी भी मैंने तैयार कर ली है और दाल भी बनाई है और इसमें हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। मैंने भोग के लिए आज ये सब तैयार किया है। मेरा भोग एकदम से तैयार है। ये मेरा छोटा सा मंदिर है, ये हमारे कान्हा जी हैं। ये जो पोशाक है ये मैंने खुद बनाई है अपने कान्हा जी की। और ये कैंडल्स आपको मैं दिखाती हूँ, ये कैंडल्स भी मैंने खुद बनाई है। आई होप आप सभी को साथ की थाली पसंद आई होगी। विश यू अगेन एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी दिवाली। Stay safe and enjoy Diwali. Thank you.